Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे हाख तो माज कैसे बना सकते हैं हाख यानी कि साग या कोलाड़ ग्रीन्स और इसको आप बहुत ही टेस्टी मटन के साथ कैसे पका सकते हैं हम दिखाएंगे अगर आपने बहुत रेसिपीज़ देखी भी होंगी ऑनलाइन मगर हम आपको दिखाएंगे वो तरीका जिससे आपको जो साग घर पे अगर हार्ड भी हो तब भी आपको बहुत अच्छा बनेगा ये मटन और साग तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हमने यूज़ किया कोलाड़ ग्रीन्स या हाख या साग एक केजी जी वन किलो इसको अच्छे से आपको क्लीन करना है वॉश करना है लीव्स को फिर हमने यूज़ किया है इसमें मटन या मीट मांस एक किलो वन के जी फिर यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल कशुर तेल। फिर सिनेमन स्टिक्स दालचीनी फिर हमने यूज़ किया है इसमें ग्रीन कार्डिमम, छोटी इलायची निचल ब्लैक कार्डिमम, बड़ी इलायची भुडल हमने यूज़ किया है इसमें क्लोज़ लौंग रोंग जिंजर गार्लिक का हमने पेस्ट यूज़ किया है लेकिन अगर आपके बाद सिर्फ गार्लिक है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप फिर यूज़ किए हैं हमने इसमें सॉल्ट नून नमक क्यूमिन सीड्स ज़ीरा ज़ुर जिंजर पाउडर अदरक का पाउडर शोट रेड चिली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर वाजल मर्च टर्मरिक पाउडर हल्दी लेदर फैनल सीड पाउडर सौंफ का पाउडर बैद्यान सबसे so, पहले आप पानी लेंगे एक प्रेशर कुकर में उसमें मटन ऐड कर देंगे और फिर आप इसको वेट करेंगे बॉईल होने का और जब इसमें उबाल आएगा फिर आप इसमें इसका जो गंदगी ऊपर होती है वो रिमूव कर देंगे फिर डाल देंगे आप इसमें एक से दो दालचीनी की स्टिक्स दो बड़ी इलायची एक से दो छोटी इलायची निचल फिर जिंजर गार्ली का पेस्ट एक बड़ी चम्मच या अगर आपके पास प्लेन गार्लिक है वो ऐड कर दीजिए फिर फेनल सीट पाउडर या बद्यान एक छोटी चम्मच हल्दी एक छोटी चम्मच और इसको कवर करेंगे आप लेड और चार से पाँच पिस्ल्स तक कुक करेंगे या जब तक मीट एटी परसेंट तक डन होगा आपने नोटिस किया होगा हमने मिर्ची यहाँ पे नहीं डाली है क्योंकि हम आपको दिखाएंगे आप मिर्ची कैसे डाल के रेड कलर ला सकते हैं बहुत अच्छा सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एट्टी परसेंट तक कुक किया है फिर हम इसको स्ट्रेन करेंगे छानी में से और मीट को रखेंगे सेपरेट करके और ये मटन स्टॉक है ये भी यूज़ करना है अब लेंगे आप एक प्रेशर कुकर में तेल मस्टर्ड ऑयल हमने यूज़ किया है और जब ये तेल गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे आप एक छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स के ज़ीरा या जुर फिर दालचीनी एक स्टिक दो छोटी इलायची एक बड़ी इलायची फिर हम डाल देंगे इसमें एक से दो लौंग फिर हल्का सा मिक्स करेंगे आप इसको और इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे फिर डाल देंगे हम इसमें आधा कटा हुआ प्याज़ ये तड़के की तरह यूज़ होगा तो इसको हमें फ्राई करना है अच्छे से इस प्याज़ को फाइनली चॉप होना चाहिए और जब ये प्याज़ फ्राई होने लगे फिर डाल देंगे आप इसमें जो गार्लिक पेस्ट एक छोटी चम्मच या गार्लिक के क्लोज आप डाल सकते हैं और जब ये प्याज़ और फ्राई हो जाए ब्राउन हो जाए फिर डाल देंगे आप इसमें लाल मिर्च एक या दो छोटी चम्मच डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना टीका पसंद है फिर अच्छे से मिक्स करेंगे आप और इससे आपको बहुत अच्छा रेड कलर आएगा करी में फिर हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे साइमल्टेनियसली ताकि जो ये हमने लाल मिर्च ऐड की झलेना और इस तरीके से जब लाल मिर्च को तेल पे फ्राई करते हैं प्याज में ऐड करके या नॉर्मली भी उसमें बहुत अच्छा कलर आपकी करी का आता है रेड कलर आता है तो फिर इसीलिए हमने पहले ही लाल मिर्च ऐड नहीं की है इस वक्त अनियंस पर हमने फ्राई करने के टाइम ऐड किए ताकि ये बहुत अच्छा कलर आए इसमें अब डाल देंगे हम इसमें जो मटन स्टॉक हमने रखा था यूज़ करने के लिए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेड कलर आया है अब जब ये उबलेगा ये बॉइलिंग होना चाहिए तब जाके आप पहले सॉल्ट वगैरह एडजस्ट करेंगे इस स्टेज पे की टेस्ट देखकर हम यहाँ पे सॉल्ट एडजस्ट कर रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इस बॉइलिंग मटन स्टॉक में आपको साग ऐड करना है हाक हमेशा याद रखिएगा जो ये साग है या हाक है को लाड ग्रीनस ये कभी भी ठंडे पानी में ऐड नहीं करने चाहिए ठंडे पानी में ऐड करने के बाद एक बहुत टाइम लेते हैं कुक करने के लिए तो बॉइलिंग वाटर में या बॉइलिंग मटन स्टॉक में ऐड करने के बाद अब हम इसको पाँच से छः बजे तक वेट करेंगे या जब तक ये एटी तक कुक हो जाए ये भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिड्यूस हो चुका है साइज़ में और सॉफ़्ट हो चुका है ब्रेक करके देखते हैं तो ऑलमोस्ट एटी परसेंट तक डन है अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मीट रखा था निकाल के वो और ये दोनों को फिर से कुक करेंगे हम जब तक दोनों हंड्रेड परसेंट तक पूरा सॉफ्ट हो जाए और कुक हो जाए तो विसल बंद करके हम इसको एक से दो विसल तक फिर से कुक करेंगे जब तक ना ये दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो जाए टेंडर हो जाए ये देखिए आप प्रेशर कुकर की लेट क्लोज़ करेंगे आप और दो से तीन के बाद हम ये खोलेंगे और चेक करेंगे कि जो ये साग है हाँख और जो मीट है माज ये दोनों सॉफ़्ट हो गए होने चाहिए और इस तरीके से आप अगर आपके पास साग घर पे पुराना भी होता है हार्ड होता है तब भी आप उसको बहुत इजीली अच्छे से कुक कर सकते हैं और वो हार्ड नहीं रहेगा और मटन के साथ आप उसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे और, और कमेंट्स में लिखिए अगर अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई और रेसिपीज बनाएँ